नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान की खास पेशकश जिसका नाम है सिटी सेंटर। मेरा नाम है आदित्य झा, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस बुलेटिन में। और आपको बताते चलूं कि भजनलाल कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। जी हां, कैबिनेट फैसलों को लेकर सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में शुरू होगी। और आपको हम बता दें कि जो भजनलाल कैबिनेट की बैठक थी वो अब खत्म हो चुकी है। कैबिनेट फैसलों को लेकर सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ नतीजे निकले हैं, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है, क्या कुछ बातें सामने आई हैं, उसको लेकर अवगत कराया जाएगा आम जनमानस को, जनता को, हम सभी को। तो जो बैठक हो रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, इस बैठक में किरोड़ीलाल मीणा भी शामिल हैं। कई अहम नेता इस बैठक में शामिल रहे और कई अहम बिंदुओं पर भी बात हुई है। भजनलाल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट फैसलों को लेकर सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से बस थोड़ी देर में ही शुरू कर दी जाएगी। तो हमने आपको पहले भी अवगत कराया था कि कैसे भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक आज होनी है। कर्मियों की ग्रेड पे बढ़ोतरी सहित कई मुद्दों पर आज फैसला संभव है। दो बार मीटिंग स्थगित हो चुकी है। सितंबर में कैबिनेट की बैठक दो बार स्थगित हुई थी। पहले 18 सितंबर को, फिर दोबारा 25 सितंबर को मीटिंग होनी थी। दोनों बार ये मीटिंग जो है, अहम मीटिंग जो है, स्थगित हो गई। और कर्मचारियों के ग्रेड पे बढ़ोतरी पर भी चर्चाएं होनी है। किन मुद्दों पर फैसला हो सकता है बैठक में? सेवा नियमों में संशोधन का अनुमोदन संभव है। राइजिंग राजस्थान, इन्वेस्टमेंट राजस्थान के मद्देनजर उद्योगों को दी जा सकती है रियायत। उद्योगों को जमीन आवंटन सहित अन्य प्रकरणों में छूट का अनुमोदन भी संभव है। खनन नीति, ग्रेड पे में बढ़ोतरी सहित कई अहम मुद्दों पर मुहर लग सकती है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया जाएगा कि किन मुद्दों पर मुहर लगी है। हीलिंग इन पॉलिसी का अनुमोदन भी संभव था। राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऊर्जा उत्पादन का अनुमोदन भी संभव है। निजी क्षेत्र के सहयोग से इसके लिए ऊर्जा संयंत्र या सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का अनुमोदन जो है वो संभव है। तो इन मुद्दों पर जो है आज बैठक हुई है। दो बार मीटिंग स्थगित हो गई है। सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो सुशांत, जैसे कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि कई फैसलों, कई बिंदुओं पर आज चर्चाएं हुई हैं। राइजिंग राजस्थान एक बड़ा मुद्दा, उद्योगों को जमीन आवंटन एक बड़ा मुद्दा, अधीनस्थ मंत्रालय की ग्रेड पे बढ़ोतरी एक बड़ा मुद्दा। किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या कुछ हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख सकते हैं सुशांत? देखिए, बिल्कुल, ग्रेड पे को लेकर चर्चा हुई है और आधिकारिक फैसला जो है वो जो सरकार का है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। कुछ ही देर बाद पीसी शुरू होगी, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उस पर डिस्कशन हुआ है। सीएम का फैसला अंतिम होगा। हालांकि इसके अलावा कुछ और फैसले जो हुए हैं उनकी अगर बात की जाए तो सफाई कर्मचारियों को लेकर एक फैसला हुआ है कि राजस्थान में जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो रही है उनमें पहले से जो कर्मचारी काम कर रहे हैं सभी से उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इस तरह का कुछ एक डिसीजन बैठक में है। दूसरा, सौर ऊर्जा संयंत्रों को जमीन आवंटन को लेकर भी जो है निर्णय की स्थिति आज भी इस बैठक में है। कई सारे ऐसे प्रस्ताव थे, करीब 8 से 10 प्रस्ताव थे जो बैठक में डिस्कस हुए। और बड़ी बात ये कि किरोड़ीलाल मीणा भी आज की इस बैठक में शिरकत करने आए थे आदित्य। हालांकि वो आए अपनी गाड़ी से थे, लेकिन जब वापस गए तो सरकारी गाड़ी से गए। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि किरोड़ीलाल मीणा का जो इस्तीफा प्रकरण था उसका भी पटाक्षेप हो गया है और आने वाले दिनों में हो सकता है वो विभाग का कामकाज भी पहले की तरह संभालते हुए हमें दिखाई। नहीं, बिल्कुल सुशांत, पता है मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, यही जानना चाह रहा था कि आपका आकलन क्या कहता है कि किरोड़ीलाल मीणा, कल भी एक दो बयान आया था जिसमें ये बात सामने आई थी कि वो हम बिल्कुल काम कर रहे हैं भाजपा सरकार के साथ, ऐसा नहीं है कि वो बाहर है। आज उनका इस बैठक में शामिल होना बहुत कुछ कह देता है, बहुत कुछ बयान कर देता है। देखिए, मदन राठौड़ का बयान आया था एक दिन पहले कि वो अभी फाइलें निपटा रहे हैं, विभाग का कामकाज कर रहे हैं। और फिर जो है कल राधा मोहन जो है प्रभारी भाजपा के, वो माधोपुर गए थे, बैठक में शामिल हुए थे किरोड़ीलाल मीणा, और वहां पर उनकी बातचीत हुई है। उसके बाद आज की कैबिनेट बैठक में आना ये बता रहा है कि पार्टी के भीतर डैमेज कंट्रोल की जो कवायद पिछले कुछ दिनों से जारी थी वो कर ली गई है। किरोड़ीलाल मीणा अगर आसान भाषा में कहें तो मान गए हैं, मंत्री पद पे काम करते रहेंगे और जो मुद्दे वो लगातार उठा रहे थे अब हो सकता है कि
सिस्टम के भीतर रहकर जो सरकार की प्रक्रिया है उसको पूरा करते हुए उठाएंगी। तो ये भाजपा के और खासतौर पर किरण लाल मीणा के जो समर्थक हैं उनके लिए अच्छी खबर हम ये कह सकते हैं। जी सुशांत, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट राजस्थान के मद्देनजर उद्योगों को रियायत भी दी जा सकती है, ये भी क्या इस मीटिंग में चर्चा का विषय रहा? बिल्कुल डिस्कशन हुआ है और उद्योगों को राहत इस लिहाज से क्योंकि कई सारी ऐसी जो पॉलिसी सरकार बना रही है उसके बावजूद जमीन आवंटन का जो मसला है उसमें सरकार क्या उद्योग जो इंडस्ट्री नहीं आएंगी उनको कुछ राहत दे सकती है, इस संबंध में सरकार को लगातार जो इंडस्ट्री के लोग कह रहे थे। तो अभी आज की बैठक में डिस्कशन हुआ मुद्दे पे, फाइनल जो फैसला है वो प्रेस ब्रीफिंग में साफ होगा और मंत्री जो है जोगाराम पटेल और दिया कुमारी वो अब प्रेस ब्रीफिंग के लिए आ रहे हैं। चलिए ठीक है सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।